फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनीस मिश्रा है और मैं मैक्सटेक सॉल्यूशंस इंदौर के लिए काम करता हूं। यहां पे हम लोग डेटा माइनिंग, इमेज प्रोसेसिंग, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और इनसे रिलेवेंट हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। आज मैं आपको एक डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, जिसमें हमने हार्ट डिसीज प्रडिक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्क में हमने दो एल्गोरिथम यूज़ की, उनका नाम बेजियन क्लासिफायर है और C4.5 डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है। किसी भी डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट में तीन इसेंशियल फेजेस होते हैं, नेमली प्री प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग और उस पर्टिकुलर सिस्टम की आफ्टर ट्रेनिंग टेस्टिंग। आइए इसको रन करके देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है। डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट के तीन फेजेस हमने इस हार्ट डिसीज प्रेडिक्शन सिस्टम के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। ये जावा में इम्प्लीमेंटेड जे फ्रेम फॉर्म के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है। इसमें हमने एक मेनू भी बना रखी है जिसमें हमने तीनों फेजेस वन बाय वन बता रखे हैं। पहला मेनू ऑप्शन है डेटा क्लीनिंग, दूसरा है डिसीजन ट्री और तीसरा है उसकी टेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा क्लीनिंग पे क्लिक करते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम डेटा को अपने सिस्टम में इनपुट देंगे और इनपुट देने के बाद उस डेटा को हम प्री प्रोसेस करेंगे और बेजियन क्लासिफायर को ट्रेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इनिशियल डेटा सेट की ज़रूरत है। वो डेटा सेट हमने UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से डाउनलोड कर रखी है। इसमें हमने दो तरीके के डेटा सेट यूज़ किए हुए हैं, हार्ट सी और हार्ट एच। इन डेटा सेट का फॉर्मेट जो है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट रिलेशनशिप फाइल फॉर्मेट। हम यहाँ पे हार्ट सी डेटा सेट सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें उसका इनपुट पाथ कंप्लीट मिल गया। अब हम उस डेटा को रीड करेंगे और रीड करने के बाद शो करेंगे अपने सिस्टम में। ये जितना भी डेटा था हमारे पास वो सारा का सारा हमने रीड किया और रीड करने के बाद इस टेबल स्ट्रक्चर में डेमोन्स्ट्रेट किया। इसके बाद इसी डेटा पे विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लास लेवल्स हम बेजियन क्लासिफायर अप्लाई करेंगे और उसकी ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेजियन क्लासिफायर को ट्रेन करते हैं। ये मैसेज बॉक्स आने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी बेजियन क्लासिफायर की जो ट्रेनिंग है वो कम्प्लीट हो गई। आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ बेजियन क्लासिफायर हम C4.5 एल्गोरिथम को कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने जो C4.5 क्लासिफायर डेवलप किया हुआ है उसमें हम फोर फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को रन करना स्टार्ट किया। देखिए ये पूरा का पूरा डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। According to the given attributes in ARFF file. After that, जब हमने decision tree बना ली है तो decision tree को हम represent कर सकते हैं इसके if then else rules के basis पे। तो हम इसी decision tree से हम rule recover करेंगे। हमने ये button बना रखा है जिसमें हमने सारे एट्रीब्यूट बेसिस पे जो भी डिसीजन ट्री थी उसके लिए हमने सारे रूल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आते हैं हम फाइनल फेजेस में। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले हमने डेटा लिया, डेटा को प्री प्रोसेस किया, प्री प्रोसेस करने के बाद हमने एक क्लासिफायर बेजियन क्लासिफायर को ट्रेन कर लिया। ट्रेन करने के बाद हमने दूसरा क्लासिफायर लिया डिसीजन ट्री C4.5 और हमने दोनों क्लासीफायर्स को ट्रेन करने का काम कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए हमने एंसेंबल लर्निंग का यूटिलाइज किया है और टेस्टिंग के लिए हमने फोर फोल्ड्स
टेस्ट डेटासेट बना रखे हैं जो कि रेंडमली 30% सैंपल्स के साथ कंस्ट्रक्ट हुए हैं। अब ये बटन जो है, इसमें जितने भी सैंपल्स हैं जो हमने टेस्टिंग के लिए रेंडमली सेलेक्ट किए हैं, उनको हम क्लासिफाई करेंगे और उनके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। क्लासिफिकेशन करने के बाद ये जो अननोन सैंपल्स हैं, उन सभी अननोन सैंपल्स के लिए हमारा जो डिसीजन ट्री जो हमारा ट्रेंड एल्गोरिथम है, उस ट्रेंड एल्गोरिथम ने सभी के लिए क्लास लेवल्स प्रिडिक्ट कर दिए। क्लास लेवल के प्रिडिक्शन के साथ ही हमने कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी एनालाइज किया, जैसे टाइम, तो मेमोरी, एक्यूरेसी एंड देयर एरर रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।